तो भाई लोग, हम लोग चलते चलते पहुंच गए नानपारा होते हुए बहराइच वाली रोड पे। लेकिन अब कहानी में थोड़ा सा ट्विस्ट है। ट्विस्ट है ये वेरी गुड। चलो घर आ गया। घर नमस्कार, नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल। इट्स बाला एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बाला व्लॉग्स। बाला व्लॉग्स। तो कैसे हैं आप सब? बढ़िया भाई लोग। आज सुबह सुबह ही हम लोग निकल चुके हैं हिंदी वाले न्यू सफर पर। और वो सफर आज बहुत ज्यादा ट्विस्ट भरा होने वाला है। पता है क्यों? क्योंकि भैया आज जो है हम लोग मूवी जाने वाले हैं। वो कौन सी मूवी, वो तो आप लोग मेरे साथ एंजॉय करोगे। लेकिन खास बात यह है कि हम और हमारी मैडम जी, हम लोग शादी से पहले तो बहुत सारी मूवी देखे हैं, लेकिन शादी के बाद होप सो ये फर्स्ट मूवी होगी शादी के लगभग 10-11 साल बाद। आपने देखी थी ये गाइस? हाँ देखी थी, लेकिन वो शादी से बहुत पहले, मतलब शादी से पहले। नहीं नहीं, मम्मी के साथ तो नहीं देखी थी ना। मम्मी के साथ मतलब हमारी मैडम जी के साथ आज 10-11-12 साल बाद ही देखने वाले हैं। और उससे पहले अगर मौका मिलेगा तो उससे पहले हम लोग चोखावाटी इंजॉय करने वाले हैं। देखते हैं क्या होता है, क्योंकि ट्रैफिक बहुत ज़्यादा हो रखी है और हम लोग निकलते निकलते हो गए लेट। निकलना सुबह था, लेकिन मूवी की प्लानिंग करते करते थोड़ी सी लेट हो गए। मूवी की टाइमिंग है 10 बजे और अभी बजा है लगभग 9 बजने में 10-15 मिनट बाकी है। हाँ, बीच में एक मूवी देखी थी मैडम हमारी, बता रही है कि कबीर सिंह। कबीर सिंह मूवी का नाम था? हाँ, शायद कपूर की जो मूवी थी कबीर सिंह, वो हम लोगों ने एंजॉय करी थी एक साथ, लेकिन भूल गया था मैं भी। समय 11-12 साल में एक मूवी देखना, वी डोंट डिजर्व इट, यू नो। चलिए सफर एंजॉय करिए हमारे साथ। अच्छा हाँ, ये टुक टुक का फर्स्ट मूवी होगी, क्योंकि टुकू ने अभी तक कोई मूवी देखी ही नहीं है। देखी ना कबीर सिंह? कबीर सिंह देखी थी, लेकिन वो बहुत छोटी थी तब, बिल्कुल उन्नू सी, बिल्कुल जरा सी, एक दो साल की होगी तब देखी। तो भैया हम लोग आ गए चोखावाटी वाली शॉप पे। दादा दो कटोरी दे दियो, दो प्लेट लगा दियो चोखावाटी। चोखा बाटी बिल्कुल फ्रेश फ्रेश ताजी ताजी बन रही है। सुबह सुबह खाने का इसका मजा ही और है, बिल्कुल चटपटा सा मजेदार। तो भाई लोग फिलहाल हम लोग शुरू हो गए गाड़ी के अंदर ही चोखा बाटी खाना, क्योंकि आयुष हो रहा था। लेकिन जैसे ही चोखा बाटी की खुशबू आई, आयुष जग गया। है कि नहीं आयुष, तुम खाओगे? ओए बल्ले बल्ले। इसके बाद जाना है मूवी की टिकट लेना है। अगर मूवी की टिकट्स मिल जाती हैं तो मूवी होगा, लेकिन अगर नहीं मिलता तो आगे निकल लेंगे। भाई लोग फिलहाल हम लोग आ गए हैं थिएटर, लेकिन बात दरअसल ये है कि अभी हम लोग थोड़ा जल्दी आ गए। शो का टाइम है 10:00 कुछ मिनट पे और अभी बजा है 9:28। तो अभी जो लोग टिकट वगैरह देते हैं तो वो लोग भी नहीं आए हैं, तो हम लोगों ने कहा कोई बात नहीं, हम लोग पहले से जाके ही बैठ जाते हैं। मैडम जी हमारी तैयार है मूवी देखने के लिए, और आयु और टुक टुक तो ठंडी ठंडी हवा का मजा ले रहे हैं। कोई नहीं, इंतजार करते हैं। आज मूवी देख के जाना है, अब वो भी कौन सी मूवी पता है? जरा हटके जरा बचके। तो भाई लोग फिलहाल टिकट्स मिल गए। टुकू बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो रखी है, क्योंकि उसकी फर्स्ट मूवी है ये, और आयु की भी तो फर्स्ट मूवी है। क्यों आयु? आयु मूवी में एंट्री करने से पहले सोच रहा थोड़ा सा पानी वानी पी लेते हैं, थोड़ी ताकत होनी चाहिए, है कि नहीं? टुकू और आयु की नज़र उधर चली गई है, टॉय ग्राउंड प्ले ग्राउंड। मुझको खेलने दोगे कि नहीं?
मुझको खेलने दोगे कि नहीं। बस बस अभी चल रहा है, अभी चल रहा है। फिर से जाओ। अच्छा, एक ही चांस मिलता है। ठीक है, कोई बात नहीं। सीख गई टुक टुक। घर आ गया। चलो। किसी की ना मदद ना दुआ चाहिए, तू है तो मुझे फिर और क्या चाहिए। हमारी टुक टुक का बहुत ज्यादा मूड हो रखा था कि हॉट डॉग खाना है। एक चिकन टिक्का लिया है, एक कोल्ड ड्रिंक और एक गरम कुत्ता। भाई लोग, अगर आप लोग पूछना चाहते हैं कि हमारा एक्सपीरियंस कैसा रहा मूवी के बारे में, तो स्टार्ट करेंगी हमारी टुक टुक। टुक टुक, आपको मूवी कैसी लगी? ठीक ठाक थी। मजा आया कि नहीं मजा आया? आया। मजा आया, और सबसे ज्यादा मजा हमारे आयुष्मान को आया। पता है क्यों? बंदा पूरे 15 मिनट हम लोगों को ज्वाइन किया, उसके बाद 2 घंटे सो गया। और अगर पूछे हमारी मैडम जिससे कि आपको मूवी कैसी लगी, बताइए मैम। एवरेज बता रही है। और मुझे जो है, मुझे मूवी का सेकंड हाफ अच्छा लगा। वहाँ प्यार और घर और मकान, इनकी डिफिनेशन बताई गई है। बड़ा इमोशनल हो गए थे हम भैया। अच्छी लगी मूवी। भाई लोग, सुबह से ड्राइव कर करके बिल्कुल थक गए थे, और मूवी और स्नैक्स की ट्रीट मेरी तरफ से था, और ये वाली ट्रीट दिखा रहे, एक मिनट दिखा रहे, लंच वाली ट्रीट हमारी मैडम जी की तरफ से है, तो मैडम जी को स्पेशली थैंक यू। और भोजन में उन्होंने मंगाया है, दिस इज शाही पनीर, दिस इज चपाती, दिस इज वेज, एंड दिस इज दाल, एंड दिस इज टुक टुक इन गुस्सा मूड, पता नहीं गुस्सा क्यों है, और चावल भी है साथ में, अचार भी है, अचार। तो भैया भोजन कर लेते हैं, क्योंकि ये बंदा बैठ नहीं रहा है। ये बंदा बैठे तो आराम से कर लेंगे, फिलहाल भोजन कर लेते हैं। भाई लोग, हम लोग चलते चलते पहुंच गए नानपारा होते हुए बहराइच वाली रोड पे। लेकिन अब कहानी में थोड़ा सा ट्विस्ट है ये कि ये जो सीधे रोड जा रही है, ये जा रही है टुक टुक के नानी के घर, और जो लेफ्ट टर्न लेके जो जा रही है रोड, वो जा रही है टुक टुक के मौसी के घर। तो अभी हम लोगों का मूड बन रहा है कि क्यों ना हम लोग टुक टुक की मौसी के घर निकल लेते हैं, क्योंकि भैया साली, मतलब समझ रहे हो ना जी। तो भैया हम लोग ये लेते हैं लेफ्ट टर्न।
यहाँ से लगभग पड़ता है 40 किलोमीटर के करीब, श्रावस्ती डिस्ट्रिक्ट में है, इकोना नाम का एक थाना लगता है। तो अभी फिलहाल हम लोग वहीं पहुँच रहे हैं। तो भाई लोग चलते चलते हम लोग धीरे धीरे पहुंच गए मिसाली साहिबा के घर इकोना। बस इकोना थाना जस्ट सामने ही है। लेकिन भैया उनके घर जाने से पहले आखिर साली साहिबा से मिलने जा रहे हैं तो समझ रहे हैं आप, तो उनके लिए कुछ तो लेके चलना होगा, है कि नहीं? तो भैया पहले जो कुछ लेके चलना है वो पहले लेके आते हैं, फिर उनके घर चलेंगे। उनका घर तो जस्ट इसी टर्न पे है, ये लेफ्ट साइड पे, लेकिन हम लोग अभी जाएंगे राइट साइड पे। आयु पहुंच गया अपनी मौसी के पास। अब आयु सोच रहा है ये मौसी को तो मैं मोबाइल में रोज देखता हूँ, है ना आयु? मम्मी ना, मासी। अच्छा, सोच रहा क्या मैटर है भाई। चलिए चलिए आप लोग उतरिए, टुक टुक काना को लेके उतर रही है। हाँ बंद करो बंद करो, वेरी गुड। आयु, आयु को तो बड़ा मजा आ रहा है। आयु अपने दो दो भाइयों के साथ खेल रहा है, एक है वीरे दादा और एक है रणवीर। देखें ये क्या लगाए हो, ओए 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 ओए, ये बात, वेरी गुड, शाबाश। आप मिलिए रणवीर से, रणवीर ये शाबाश। ये दोनों बिल्कुल क्या कह रहे हैं, भाई भाई लग रहे हैं बिल्कुल, है? और ये है बड़ा दादा, वीरे दादा। तो भैया वक्त हो गया भोजन करने का, और भोजन की तैयारी कुछ ऐसे चल रही है, खड़ी निकल गई, सलाद उलाद काटे जा रहे हैं, बाकी खाना तो दीपा मैम बना के गई हैं। हाँ। वीरे भी भूखा है बेचारा। मेरी हकड़ी निकल गई पूरा एक। क्या हुआ, तुम्हारी ककड़ी निकल गई? हकड़ी निकल गई। अच्छा, हेकड़ी निकल गए। इतना बड़ा डब्बा उठा के लाए। सोनाली मैम भी भोजन की तैयारी में लगी हुई है। दिस इज चावल, और बाकी जो आइटम है वो हम आपको नहीं दिखाएंगे। अच्छा दिखा दिया वीरे ने, ये है लोबिया। धीरे 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 धीरे, ये पनीर, दिस इज पनीर। तो भाई लोग खाना वाना खा के हम लोग आ गए नीचे, तीनों के तीनों, साथ में अपना चार्ली भी है छोटा वाला आयुष्मान। वो दरअसल मैटर कुछ ऐसा हो गया था कि अपने वीरे के घर पे जो एसी लगी हुई है, एसी में स्टेबलाइजर गड़बड़ हो गया था, तो स्टेबलाइजर वाले भैया आए, वो स्टेबलाइजर खोल के ले गए, इसको एसी को डायरेक्ट चला दिया। अब थोड़ा सा टेम्परेचर ठंडा हो रहा है तो अच्छा भी लग रहा है। वैसे तो अभी तक का पसीना आ रहा था बहुत ज़्यादा। अच्छा, मैंने ये देखा कि जब कभी कहीं घूमने जाओ तो वहाँ या तो बिजली चली जाएगी या फिर तूफान आता है, एक मिनट, या तो वहाँ पे तूफान आता है तो बिजली काट दी जाती है, यहाँ आए तो एसी गड़बड़ हो गई थी। अपने साथ कुछ ऐसे सिस्टम हो रखा है, अभी हम ससुराल जाएंगे तो वहाँ भी शायद भगवान ना करे ऐसा कुछ हो, क्योंकि मैक्सिमम जब भी जाता है तो ऐसा होता है। कोई नहीं, आप हमारे वीरे साहब को तो जानते हैं, आज वाला ब्लॉग वीरे साहब हमारे ख़त्म करने वाले हैं। वीरे आप कुछ कहना चाहेंगे? गुड नाइट, गुड नाइट, बाय बाय, लव यू ऑल एंड सी यू ऑल अगेन अगेन। कल फिर मिलते हैं आप लोगों से एक न्यू ब्लॉग में, तब तक के लिए शुभ रात्रि, गुड नाइट, बाय, लव यू ऑल।